घड़ी की गवाही है मेरी। मेरी घड़ी जब बंद पड़ गई और मैं सोच रही थी कि मैं घड़ी ले लूं, और मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी घड़ी ले लूं, टाइटन की ले लूं या किस कंपनी की ले लूं, और पैसे भी लगते हैं, अभी 2000 से ऊपर में घड़ी आती है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कौन सी अभी क्या घड़ी कब ले लूं, मैं कौन से पेमेंट से ले लूं, किन से महीने में ले लूं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, सिस्टर की बहन ने मेरे लिए घड़ी भेंट की, मुझे गिफ्ट भेंट। हालेलुया। जब हम सोचते हैं ना और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि पिता तू देगा, ये मुझसे संभव नहीं, पर परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा करता है। हालेलुया। इस सिस्टर की बहन को मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर भी उसने दुबई से मेरे लिए घड़ी लाई। हालेलुया, हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। जन्ना आमी टेस्टिमनी दीता, जन्ना इंगा कौन टेस्टिमनी दीता, जब हम कभी यहाँ पर गवाही देते हैं, That blessing release जल्ले आस्ता, blessing यहाँ से free होता है, यहाँ से निकल जाता है। अनेक जो तो तुका कितने जाए, गोड़िया लुटनु, अनेक तुका कितने जाए, you have to receive it। आपको जो कुछ भी चाहिए, तू माकाई करूँ शक्ता। आप इस तरह से परमेश्वर से कह सकते हो कि परमेश्वर आपने उसके लिए किया है तो मेरे लिए भी कर सकते हो। तू ताड़ियों मत तू का घोड़ियाल में होगा ना ज़्यादा ताका मेवला। But when you be joyful, जन्ना तू खुशाल जाता जन देवान ताका दिला ता तू तुका ही तुझे ही देने है ता। आप जब आनंद से हो तालियां बजाते हो तो आपके लिए भी वो मिल जाता है। देव मुंटा ताका कहीं दूंगा पुनो इतना खुशाल जान ताड़ियों की ताक मत गे। परमेश्वर कहता है मैंने उसको तो नहीं दिया, फिर भी तुम ताली बजाकर आनंद मनाते हो तो अभी ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मुगे टेस्टिमनी लास्ट संडे नो तेजे पोइल थे, तेजे पोइल संडे, आई फॉरगॉट लास्ट संडे टू स्पीक अबाउट इट। माकनु जोर येतालो, दोन दिस पासून जोर येल माका सारको, भितोयल्यान आंग गरम जायनाले म्हजे। आणि सॅटर्डे हांव प्रॅक्टीस करून गेले हिंगा, आणि संडे हांव तसो येयलो। संडे येयलो आणि फर्स्ट सेशन वाजिलें, आय प्लेड द ड्रम्स फर्स्ट सेशन, आणि मागीर म्हाका जायना जालें सारकें। हांव ही थिंग कोणशा बसलो आनी तकलेचे कोदेल तकली कोदलाचे दवरलो, आनी आय वॉज जस्ट कित जावपा लागलें अशें म्हाका सारकें। एक्चुली हांव एलरीच्या रावतालो प्रेयर करपाक, आनी इमिजिएटली एलरीच भितर सरलो, भितर सरलो तेका हांवें भितर सरोन दिवं ना, आनी तेका सोमतो भायर येयलो आनी म्हाका प्रेयर कर म्हूण सांगिल्लें। तेणें म्हाका प्रेयर करतकच जेजून म्हाका तेन्ना हातलो आयलो, आनी म्हाका सेकेंड सेशन वाजूंक जायनासलें, प्रेयर करतकच जेजून म्हाका हातलो आयलो, आनी हांवें सेकेंड सेशन सारकें उमेदीन वाजिलें, देखून हांव देवा थँक्यू म्हणटा। मुझे बहुत साल से मेरा पैर और हाथ का तबीयत बहुत ख़राब था, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, ठीक ही नहीं होता था, लेकिन अभी मेरा हाथ पैर इतना ठीक हो गया कि मैं इतना फास्ट चलती हूँ और इतना काम करती हूँ कि बोल नहीं सकती हूँ, मैं ठीक हुआ। और मुझे अभी एक हफ्ता हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ, मैं जब भी पहले कंपनी में काम करती थी वही कंपनी मुझे दिखता है, वो जिस एरिया में मैं काम करती हूँ वही कंपनी एरिया मुझे दिखता है, और सारे कंपनी के लोग मुझे दिखते हैं। एक ही लाइन पे हम जब काम करते थे जहाँ पे हमारा पैकिंग होता था, सब लाइन पे एक जगह पे खड़ा होकर सब लोग, सबके हाथ में एक बड़ा बड़ा लड्डू का पैकेट है, वो हाथ में पकड़ के खाते हैं और रोते भी हैं, सबको एक साथ में मैं देखती हूँ। एक हफ्ता हर रोज मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ इब्राहिम कंपनी को ही देखती हूँ, पता नहीं क्यों। प्रेज द लॉर्ड। मेरी टेस्टिमनी है, पिछले कुछ दिनों से मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण मैं दाएं बाएं अगर मैं अपनी गर्दन को मोड़ता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। तो फिर उसके बाद मैंने प्रार्थना की, अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरा सारा दर्द चला गया, इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक कारवारचान टेस्टिमनी दिवपा लायला। कारवारचो एक ब्रदर अमर, कारवारचान आमचो एक ब्रदर आयिल्लो आसा हांगा, ते खबर आसा तेचें नांव ब्रदर अमर। त्याची आमकां एक प्रेयर रिक्वेस्ट आयिल्ली आमच्या कडेन आमच्या पास्टराक, आनी ताचे एक प्रॉपर्टीचो इश्यू जाल्लो, ती प्रॉपर्टी सेल करपाक लागून, आनी ती प्रॉपर्टी सेल करपाक ताका एक बरो कस्टमर जाय आशिल्लो, आनी तो कस्टमर ताका बरो मेळपाचो म्हणून तो प्रेयर रिक्वेस्ट दिल्ली, आनी ती आमी प्रे करताली। तेन्नाच ताचो एक कस्टमर मेळ्ळो ताका,
आणि त्याचे प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स बी क्लियर असू नाशिले, ते क्लियर जावपाक लागून बी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिली, ते प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स बी सगळे क्लियर झाले आणि सगळे तो कस्टमर बी तोच बरो मेळ्ळो, त्याने एक्सपेक्ट केलं तो अमाउंट त्याचं मेळपाचं, त्याच्याहून चढ अमाऊंटान त्याला तो प्रॉपर्टी सेल करपाक तो मेळ्ळो, आणि ते डॉक्युमेंट क्लियर जाऊन ती एक सिग्नेचर उरताली, त्याची भयण एक दुबय असता आणि त्याला विजा मेळना आशिली साईन घालपाक, ती विजा मेळपा लागूनही आम्ही ते प्रे रिक्वेस्ट दिली हंगा पास्टराकडे, आणि त्याला विजाय मेळली, ती मंडे पावता इंडियन, आणि त्याची साईन जाऊन सगळे डॉक्युमेंट क्लियर जाऊन सगळं तो जे अमाऊंटही त्याला मेळटा म्हणून तो देवा कारगा दिता. थँक्यू लॉर्ड. हांव देवाच्या घरान आसा, देखून मैं परमेश्वर के भवन में हूँ, इसलिए मका खूब आनंद भोगता, मुझे बहुत आनंद होता है, मका खूब आनंद भोगता, मुझे बहुत आनंद मिलता है. हालेलुया, हालेलुया. पोन्या करारान दावीद अशे म्हणतालो, पुराने नियम में दावीद इस तरह से कहता था, देवाच्या घरान हांव वेता म्हणून मका सजमले मका गमले झाल्यार, मुझे लगता है मैं जब परमेश्वर के भवन में उपस्थित होता हूँ, ते राती तो निदोत नसलो जायत घोडिये, उसी रात उसको लगता है कि उसे नींद नहीं आती थी, रात सो ताने आपले कपड़े फेर भी मारून धुल्लेले, रात थी समय में उसने पूरी तैयारी करके रखी थी, आपण किते घालतोले राजा चे आंगले, मैं क्या पहनूंगा, राजा के वस्त्र पहनूंगा, सोकली ताने तैयारी करून धुल्लोली, सब कुछ तैयारी उसने पहले ही दिन करके रखी थी, सकाळी जे 4 वरार तो उठतालो जायत, सुबह 4 बजे वो उठता रहेगा, कित्याक, क्यों, हाँ देवाच्या घरान वेचो आसा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूँ, देवाच्या घरान वेचो आसा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में जाने वाला हूँ. आणि देव कोणा विषयी सांगोना जे दाविदा विषयी सांगता ते, परमेश्वर किसी के बारे में नहीं बताता जो दाविद के विषय में बताता है. मुझा कर्जा सारको दाविद, मेरे कालिंज के जैसे, मेरे मन के जैसा दाविद है, मुझा कर्जा सारको दाविद, मेरे कलेजे जैसा दाविद है. आज देव माका आणि तुका ते म्हणूंक शकता काय, आज परमेश्वर मुझे और आपको इस तरह से कह सकता है क्या, ताका खबर आसा सोमवार दिस तू कितल्यांग निदला आणि कितल्यांग उठला तो, उसको पता है कि शनिवार के दिन आप कितने बजे सोए हैं और कितने बजे उठे हैं, मोदे तू उठलो तेना कितने तुझे मनान आइले ते, बीच में आप जागे थे तभी उसका आपके मन में क्या आया था. हालेलुया, हालेलुया. दुसरे दिसा समोज आता एक अकल नवरो आसा, समझो कि एक पति और पत्नी है, ना अकल नवरो, दूल्हा और दुल्हन है, फाल्या तांचे लोग नासा, कल उनकी शादी है समझो, आणि आता ती निदल्या एकाक आयच्या रातीक, पहले के दिन रात में वो 1 बजे सोए हैं, आणि समोज तीन वरार जाग आईली, और उनको लगा कि 3 बजे उनको जागरण हुआ, पोती नींद पड़ो ना, बाद में उनको नींद नहीं आती है, ती पावली हॉलान, वो हॉल में पहुंच जाते हैं, ती रिसेप्शन आन पावली, और रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं, सर्विस आक पावली, वो सर्विस में पहुंच जाते हैं, आई एम गोइंग टू डू इट, वो जोशे भाषे नाम कशे जातले काय ते, ये सब कैसे होगा वो सोचते रहते हैं. तुमका तशे घडंग ना, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, योर ब्राइडग्रूम इज वेटिंग फॉर यू टुडे, आपका शादी का मंडप यहां पर तैयार है, दूल्हा आपका इंतजार कर रहा है यहां, नवरो तुझा वेट करता हिंगा सर, आणि वकल तयार जाऊन आईल्या, और दुल्हन तैयार होकर आई है. हालेलुया, हालेलुया. यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, आप परमेश्वर की दुल्हन हो. आमेन, आमेन. ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आज एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनीथिंग, कुछ भी, एंड एवरीथिंग, सब कुछ, इज पॉसिबल, सब कुछ हो संभव है, यहाँ पर. व्हाई, क्यों, Jesus is here. यीशु यहाँ पर है. हालेलुया, हालेलुया. शेजारेक सांग, पड़ोसी से कहो, किते आणि किते भी घडोंग जाता हिंगा आज, सब कुछ और सब चीजें यहाँ पर संभव है, सोकले घडोंग शकता है, सब कुछ यहाँ पर संभव हो सकता है, किताक जीसु आंगा आसा, क्योंकि यीशु यहाँ पर है. इफ यू बिलीव से आमेन, आप विश्वास करते हो तो कहिए आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. उत्तराक तैयार तुम्ही देवाचा वचन के लिए तैयार है आप सभी. आमेन, आमेन. देव सोगले जाणा नु, परमेश्वर सब कुछ जानता है ना, सगळे जाणा देव सब कुछ जानता है परमेश्वर, येस और नहीं, किताक तो अल्फा आणि ओमेगा, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, तो शुरुआत आणि अंत, तो प्रारंभ है और अंत है, सो शुरुआत आणि अंत म्हणजे मोदले सगळे तो जाणा, प्रारंभ और अंत मतलब बीच में का सब कुछ वो जानता है, मका किते आय जाय मका किते फाल्या जाय तेहूं तो जाणा, मुझे कल क्या चाहिए मुझे आज क्या चाहिए वो सब कुछ वो जानता है, जलर मागणे किद्याक करचे, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं, अशे दिसना काय, ऐसा आपको लगता है क्या, तू जाणा नु देवा मका किते जायते, आप जानते हो ना परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, किद्याक हावे मागणे करचे, क्यों मैं प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर, कोणाचे सांगोंग जाता, कोई बता सकता है,
हालेलुया हालेलुया तू सांगना का आऊ सांगना पवित्र पुस्तक का सांगोंदी आप और मैं नहीं बताएंगे पवित्र शास्त्र हमें कहेगा जॉन 14 यूहन्ना 14 एंड 14 13 एंड 14 और वचन 13 और 14 जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा हालेलुया स्लो वाज सिस्टर स्लो वाज जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा एंड व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम दैट आई विल डू आमेन जेजु मुंटा तू मुझे नामान किते मांगशी यीशु कहता है अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे कौन कुत्तलो आज गैब्रियल कौन करेगा एंजल करेगा जुजे जुजे करेगा पेद्रू पीटर करेगा इब्राहिम आइजक जेकब करेगा कौन कुत्तलो जेजु मुंटा तू मुझे नामान किते मांगशी जाल्यार यीशु कहता है अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे कौन कौन कुत्तलो कौन करेगा आने किते मांग मुंटा तो व्हाटएवर और क्या मांगने को कहता है कुछ भी रीड वर्स 14 यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा हालेलुया हालेलुया गॉड इज इन द बिजनेस ऑफ आंसरिंग प्रेयर्स परमेश्वर प्रार्थना की जवाब देने का बिजनेस करता है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के पास एक बिजनेस है हालेलुया देव एक बिजनेस आनासा परमेश्वर एक बिजनेस में है आणि ते कसले बिजनेस साडा बरो कैसा बिजनेस है जानते हैं तुझे आणि मोजा मागण्याचा जबाब दिवपाचे आपका और मेरे प्रार्थना का जवाब देना बिजनेस एके वाटेन जाता केना तुम्ही बिजनेस केला कोणे तर बिजनेस एक तरफ से कभी होता है क्या कभी किसी ने बिजनेस किया है क्या कोई बिजनेसमैन असो मुंटा आऊ बिजनेस कोत्ता कोई बिजनेसमैन ऐसा कहता है कि मैं बिजनेस करता हूं आ राना नोसन कोत्ता मका कोण नका मैं जंगल में जाके करता हूं मुझे कोई नहीं चाहिए असे बिजनेस साता इस तरह से बिजनेस हो सकता है क्या बिजनेस कोत्तला झाल्यार दुपी जायो आणि गेवपी जाय नो बिजनेस करने के समय लेने वाला और देने वाला दोनों चाहिए हालेलुया हालेलुया आता देव मुंटा तू मोजे नावान माग आणि आऊ तुका दितोलो परमेश्वर इस तरह से कहता है कि तुम मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें दूंगा अनेक आंसर श्योर आसा और जवाब मिलेगा ही मिलेगा इफ द आंसर इज यस अगर आपका जवाब हां है तो जोर तो तुझे मागण्याचा जवाब आईला झाल्यार अगर आपके प्रार्थना का जवाब आया है तो देवान जवाब दिला परमेश्वर ने जवाब दिया है तुझे मागण्याचा जवाब योग ना झाल्यार अगर आपके प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो तोरी पण देवान जवाब दिला फिर भी परमेश्वर ने जवाब दिया है यस और नो हां और ना जेम्स मुंटा आमी आमका जाय ते मागता जे सारके ना ते मागता ताका लागण आमका मेवो ना याकूब इस तरह से कहता है हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं इसीलिए हमें जवाब नहीं मिलता है देव नु काकुत सारासा परमेश्वर करुणामयी है ताका खबर आसा तुका किते बोरे आणि किते बोरे नु ते परमेश्वर को पता है आपके लिए कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है जे किते माका बोरे नु ते दिउचो ना तो जो कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है वो परमेश्वर कभी नहीं देगा आणि आम्ही सोच बताओ देव हमका जवाब दिउकना और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें जवाब नहीं दिया एंड समटाइम्स वी कीप ऑन प्रेइंग वी वांट गॉड टू चेंज हिज माइंड हम लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने मन को बदले बट देव मुंटा तुझे मन बदल मुझे उतरा परमोणे और परमेश्वर कहता है कि आप अपने मन को बदलो मेरे वचन के द्वारा आवे तुका ते दिउकना कि तक ते तुका बोरे नु आता मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं दिया कि तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं था बट जोर तो तू देवाचे बस साउनेतल्यान किते तोर मागता जलर सदाच यस एंड आमेन अगर तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए यस और आमेन हो जाएगा हालेलुया हालेलुया सो देव मुंटा तुम्हें मांगने को रुक जाय परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मांगने की आवश्यकता है प्रार्थना करने की आवश्यकता है जेम्स 5:13 किते सांगता जाना याकूब 5:13 में इस तरह से कहता है बिलीवर्स आर कॉल्ड टू प्रे पर
विश्वासी लोग, विश्वासी लोग प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं। तो मुंता जोर तो तू संकोष्टांतल्यान वेता, अगर तुम संकट से गुजर रहे हो, देवचार तुका त्रास कोता, सैतान तुम्हें परेशान कर रहा है, जलर मागणे कर, तो फिर प्रार्थना करो। जोर तो तू खुशाल आसा, तुम आनंदित हो, जलर मुंता गीतां गाओ, तो स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। Believers are called to pray. विश्वासी लोग प्रार्थना के लिए ही बुलाए गए हैं। Not to pray upon. ऐसे बॉर्डर हो के प्रार्थना नहीं। ना मतलब मुझे प्रार्थना कर, मुझे प्रार्थना करना। दूसरों को कहना नहीं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। देवान आमका दुसऱ्या खाती प्रार्थना करो, मागणे करो आपयला। येशू किते म्हणता? येशू किते सांग, येशू किस क्या कहता है? Men ought to pray always. मनुष्य प्रार्थना के लिए ही बुलाया गया है। तुम्हें सदाच मागणे करूंग जाय, येशू म्हणता। येशू कहता है तुम्हें सदा के लिए प्रार्थना करती रहनी चाहिए। गाडी सोडून दिनाका, गाड़ी सोडून दिनाका, भिये नाका। तुम डरो मत, अपना विश्वास डगमगाओ मत। Hallelujah. Hallelujah. Now Lord, why you're calling us to pray? परमेश्वर आपने क्यों हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है? One, number one point. एक एक जो मुद्दा है। बोरंगे। लिख के लो। You know, Jesus is excited to answer your prayer. Do you know that? परमेश्वर यीशु उत्सुक है आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। Jesus is excited to answer your prayer. यीशु उत्सुकता से है कि आपके प्रार्थना का जवाब देने के लिए। कित्याक? क्यों? Verse 13 read once again. 13 का वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। जेन्ना तू मागणे कोत्ता, जब तुम प्रार्थना करते हो, that time Jesus is not excited. उस समय परमेश्वर उत्सुक नहीं होता है। But when Jesus is answering your prayer, परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना का जवाब देता है, he is excited. उस समय वो उत्सुकता से रहता है। You know why? क्यों वो जानते हो? जाना कित्याक? क्यों जानते हो? Father is getting the glory. क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिलती है। तू मांगतो ना? आप अगर नहीं मांगते, येशु आंसर करतो ना? येशु जवाब नहीं देगा। आणि बापाक महिमा मिळची ना? और परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। देखो देव म्हणता तू मांग, इसीलिए येशु कहता है कि तुम मांगो, तुझे मांगण्याक जवाब येता, आपके प्रार्थना को जवाब आएगा। आणि माझ्या बापाक महिमा मिळता, और मेरे पिता को महिमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। You know, in Babylon, in the book of Daniel, और डेनियल बुक में हम पढ़ते हैं, तीन जन बुर्गे असलोले, तीन तीन बच्चे थे, वल्ले जवान लड़के, वल्ले बुर्गे, बुर्गे मुझे लान बुर्गे नो, तीन जन मुनीस असलोले, यंग जवान लड़के थे, शद्रक मेशक और अबेदनेगो, शद्रक मेशक और अबेदनेगो उनका नाम था। समझता तुमका? आपको समझ में आ रहा है? त्या बेबिलोनाचा राजान, बेबिलोन राजा में, राज्य में, वल्ली आपली मूर्ति उबालली, उस राजा ने अपनी प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा बनाई। कितने उबालली? वल्ली आपली मूर्ति उबालली, उसने अपनी खुद की प्रतिमा बनाई। आणि सगळ्या राष्ट्राच्या लोकांक सांगले, और सब राज्य के लोगों से कहा, सगळ्यांनी ये मूर्तिक नमस्कार करूंग जाय, सभी लोगों को इस मूर्ति को दंडवत करना है। आणि जो कोण नमस्कार करीना, और जो कोई दंडवत नहीं करेगा इस मूर्ति को, ताका उजाच्या आगत्यान शेवटीतले, उसे आग के कुंड में धकेल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आणि ये दगुळ भुरगे, और ये तीनों लड़के लोग मूर्ति मुखार नमस्कार कोरी ना, मुन राजा खबर गोमली, प्रतिमा के सामने वो दंडवत नहीं करते, राजा को खबर लग गई। प्रतिमा इज करेक्ट? यस, मूर्ति, मूर्ति ताचे मुखार वशिप ताका कोर ना, मुन राजा खबर पावली। राजा को पता चल गया कि ये मूर्ति के सामने दंडवत नहीं कर रहे। राजा ताका आपोइले, राजा ने उनको बुलाया, अबे आइकोला तुमी मुझे मूर्ति नमस्कार कोरी ना, मैंने सुना है कि तुम मेरी मूर्ति को नमस्कार नहीं करते। तुमी कोत्ता वो कोरी ना, तुम करते हो या नहीं करते हो? तुमका ये तो उजो दिसता, तुमका तो उजो तुमका गाथला, आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पर आग जल रही है, तुम्हारे लिए बनाई है। आणि त्यागु भुर्ग्यानी अशे म्हटले, और तीनों लड़कों ने इस तरह से कहा, राजा, राजा जी, आमचा देवा तू ओकोना, हमारे परमेश्वर को तुम नहीं जानते। आमी ओकोताओ, हम उनसे जानते हैं। अब्राहमचो देव तो, अब्राहम का परमेश्वर है वो, इसाकचो देव तो, इसाया का परमेश्वर है वो, याकोबचो देव तो, याकोब का परमेश्वर है वो। आपले प्रोजेक्ट बाहर काढून ताने दरियातला रस्तो केला, अपने लोगों को बाहर निकालने का दरिया को उन्हें दोषित किया, दो भाग किया। जब ना तेना स्वर्गार्थान ताने उडो दिला, जब उनको भोजन नहीं था तो स्वर्ग से उन्होंने भोजन प्रदान किया। उदोक ना तेना कोरपा
पाटलांताने उदक दिला जब पानी नहीं था तो पत्थर से उसने पानी निकाला आणि आम्ही आमच्या देवा को ओळखता तो कौन तो हम अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है 40 वर्ष आमची पोरसा ओरण्यात रावली 40 साल तक हमारे लोग भटकते रहे जंगल में आणि टेलर नास्ताना सोता काल तीन कपड़े तानी घातले टेलर नहीं था फिर भी उन्होंने अपने लिए कपड़े हर रोज पहने जोशी जोशी पोरसा वाटाली तांचे कपड़े ही वाटाले जिस तरह से उनके बच्चे बड़े होते थे उनके कपड़े भी बड़े होते थे जोशी तांचे पाए वाटाले मोचे ही वाटाले जैसे वो बड़े होते थे उनके पांव बढ़ते थे उनके चप्पल भी बढ़ते थे कपड़े भी सोखना आणि मोचे भी पिसोखना कपड़े भी नहीं फटे चप्पल भी उनकी नहीं फटी आणि तू राजा आमका वो उजो दाखवता और तू राजा है कि हमो ये वो आग दिखा रहा है आमी जाडा आमचो देव आमका इतुतलन वाटोंग शेकता हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इससे बाहर निकालेगा आणि जोर तो वाटोयना झाल्यावर पासून हमें वो बचाएगा नहीं तो भी तुझे मूर्ति का आमी नमस्कार कोचे नाव तेरी मूर्ति को हम नमस्कार नहीं करेंगे आमी आमचो जीव्या देवाक नमस्कार कोता क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं आणि ये जाऊन असले तांचे बागणे और इस यहाता उनकी प्रार्थना आणि देवान तांका सुपरनेचुरली उजान गालचे आदि सलवार करूंग जावपाचे परमेश्वर हां उनको अजब रीति से आग में डालने से पहले बचा सकता था पण त्यांना तांका सलवार करूंक ना पर उसने उस समय उन्हें बचाया नहीं तांका उजान घातल्या उपरांत देवान तांका सलवार केले उन्हें आग में डालने के बाद परमेश्वर ने उन्हें बचाया देवान तांच्या मागण्याचा जबाब त्या उजान दिलो परमेश्वर ने उनके मांगने का जवाब उस आग में से दिया आणि तांचो एक माथ्याचो केस पासून लासोंग ना और उनका एक बाल भी तक नहीं जला आणि लासोंगना तो लासोंगना ते बाहेर आले जला नहीं तो जला नहीं फिर भी आराम से बाहर आ गए राजा ओशे मुंटा और राजा इस तरह से कहता है आमी तीन जणांक भीतर उडई उडई लले हमने तीन लोगों को आग में डाला था और चौथा मुनीस कौन तांचे बरोबर और चौथा आदमी कौन है उनके बीच में आणि तांका बांधून उडई लले और उनको बांध के उन्होंने उड़ाया था हाथ पाय बांध लले उनके हाथ पैर बांधे थे तांची दोरा कशी सुटली उनके उनके बांधा हुआ रस्सी कैसे छूट गई कशे चलता तुई वो कैसे वहां पर चल रहे हैं हालेलुया हालेलुया जेन्ना देवान तांचा मागण्याचो जबाब दिलो जब परमेश्वर ने उनके मांगने का जवाब दिया जेसुन जेन्ना जबाब दिलो येशु ने जब जवाब दिया देवाक महिमा मिली परमेश्वर को महिमा मिली कशे जाना क्यों कैसे जानते हो डेनियल 6 डेनियल 6 को पढ़ेंगे रीड डेनियल 3:29 इसीलिए इसीलिए देखो क्या हुआ इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ आता पड़े राजा उलोईता जेन्ना शद्रक मेशक अबेदनगो उजातलो बाहर आयलो तेन्ना आता राजा किते उलोईता पड़े जब अबेदनगो वो तीनों बाहर आ गए तब राजा क्या बात करता है देखो इसीलिए अब मैं यहाँ आज्ञा देता हूँ राजा आता मुंटा आओ सो आता आज्ञा दिता कि देश 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 और जाति जाति के लोगों जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों अलग अलग भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वहाँ टुकड़े टुकड़े किए जाएगा हालेलुया राजा ओशे मुंटा जोर तोर शद्रक मेशक आणि अबेदनगो हाचा देवाचेर तो कोणे किते आड उलोईले राजा इस तरह से कहता है अभी शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के बारे में कोई भी कुछ गलत कहेगा आओ तुम कुर्त्यान कुर्त्या कोत्तलो मैं उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हालेलुया हालेलुया सोगली राष्ट्र आणि वेगळे वेगळे भाषो बोलो उलोपी लोकाक तो ये सांगता सारे देश देश के लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को इस तरह से वो कहता है हातून कोणाक महिमा मिळली यहाँ पर किसको महिमा मिली कोणाचे नाव वर सोले किसका नाम ऊंचा उठाया गया हालेलुया हालेलुया मोजा देवाचे मेरे परमेश्वर शद्रक मेशक एंड अबेदनगो देवाचे शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का तेच गोळले डेनियलला कोई भी वही समझ डेनियल को भी आ गया डेनियल जीव्या देवाचे मागणे कोतालो जीव्या देवाक डेनियल सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था आणि ताचे सोये परमोणे दिसा तीन पावटी तो मागणे कोतालो उसके समय उसके अनु उसके उसके आदत के अनुसार वो दिन में तीन बार प्रार्थना करता था कितने पावटी कोता लो कितनी बार प्रार्थना करता था तीन पावटी जेता हूं हम तीन बार खाना खाते डेनियल तीन पावटी मांगने कोता लो डेनियल तीन बार प्रार्थना करता था शेजर एक साल
पड़ोसी से कहो डैनियल तीन पाउटी मांगने को तालो डैनियल तीन बार प्रार्थना करता था तीन पाउटी जोता मैं तीन बार खाना खाता हूँ हालेलुया हालेलुया आने आता डैनियल आते एक झाड़ान फरांग सोताले डैनियल को वो एक बंधन में झटेलना चाहते थे अनिक ओसो ये कायदो काढ़ लो और इस वजह से उन्होंने कानून निकाला कोणोई तोर राजान राजान मुटले कोणोई तोर माका मागणे कोरिनासतना कुईचा दुसऱ्या देवाक तोर मागणे कोत्ता झाल्यार ताका शिवाचा गोलीन घालतले राजा ने इस तरह से कानून बनाया जो कोई मुझे प्रार्थना करने से बगैर दूसरे किसी को भी प्रार्थना करेगा तो उसके उसको सिंह के झुंड में डाला जाएगा आणि ओ काय तो काढला असताना पासून डेविड किते डैनियल किते कोत्ता जाणा ये कानून निकाला ये जानकर भी दाविद क्या कर डैनियल क्या करता है मालूम है आपको अपने गारावेता अपने घर में जाता है जोनेला उक्ती कोत्ता अपनी खिड़कियां ओपन करता है यरूशलेम मान अपने दौड़े लाइता यरूशलेम की ओर अपनी आंखों को उठाता है मेर पोट्टा अपने घुटनों पर बैठता है तीन पाउटी मांगने कोत्ता और तीन बार प्रार्थना करता है आमी जलर किते कोरपाची हम लोग क्या करते थे कुन्ना का मुल्ला राजान राजा ने कहा है मत करने के लिए कहा है आमी भुर्ग्यांक आणि बायल गो सगळ्यांक सांगपाची हम अपने अपने बाल बच्चों बेटियों को सब लोग कहेंगे देर बंद कर दरवाजे को बंद जनेल पासून बंद कर खिड़कियों को भी बंद कर कर्टन भी सारखे बंद कर कर्टन को भी अच्छे से बंद करो आणि मागणे कोताना कोणाचा आवाज येऊ चो नो और प्रार्थना करने के समय किसी का भी आवाज नहीं आना चाहिए कोणा कुतर ऐकोंग आईले अगर किसी को सुनाई दिया जलर आमी शिवाचे तोणान फुटटली हमको सिंह के झुंड में डाला जाएगा डैनियल फिर भी डैनियल जोनेला देरा उक्ती कोत्ता वो खिड़की दरवाजे को ओपन करता है आनिक मागने कोत्ता और प्रार्थना करने लगता है आनिक डैनियल सांपोट्टा और डैनियल फंस जाता है डैनियलक राजा मकारुबो कोत्ता डैनियल को राजा के सामने उपस्थित किया जाता है हालेलुया हालेलुया आनिक राजा डैनियलक सांगता और राजा डैनियल से इस तरह से कहता है डैनियल डैनियल मका तुझो खूब मोग आसा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं डैनियल तुका खूब मान देता मैं तुम्हें मान सम्मान देता हूं डैनियल कायदा प्रमाणे हावे तुका सलवार करूंग जायना हाता इस कानून के कानून के आधार पर मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता पर इतले चाव तुझा देवा लागी मागता पर मैं तुम्हारे परमेश्वर से इतना ही प्रार्थना करता हूँ जे देवाची तू सेवा कोत्ता जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो तोच देव तुका राखो वही परमेश्वर तुम्हें संभाले जे देवाची तू सेवा कोत्ता जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो देवान तुका राखो वही परमेश्वर तुम्हें संभाले डैनियल शिवाचे तोड़ा नुड़ता और डैनियल को सिंह के झुंड में डाल देते हैं दूसरे सकाई फुड़े दूसरे दिन सुबह राजा दावन दावन एता रात भर राजा निदोना राजा सुबह उठकर आ जाता है राजा को रात भर नींद नहीं आई है डैनियल डैनियल करके पुकारता तुझा है देवान तुका राखला आणि सांभावला तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचाया है क्या डैनियल ओय राजा हाँ राजा मका काय वाईट जाऊक ना मेरा कुछ भी बुरा नहीं हुआ राजा जे देवाची हाँ सेवा कोत्ता जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ देवान आज मोड़वे दाडू उस परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर शिवाची तोड़ा बांध लिया इस सिंह के तो मुंह को बंद कर रखा सो अगले शिव निकलिया सारे सिंह सो गए हैं हाँ रात भर बोरा निकलो और मैं भी रात को आराम से सो गया हालेलुया हालेलुया आणि राजान डैनियल को वोर काढ़ लो और राजा ने डैनियल को ऊपर उठाया आणि इथून देवा कशी महिमा मिळवता और यहाँ पर परमेश्वर को कहा महिमा देवान पहिलोच डैनियल वटाऊंग जाऊपाचो परमेश्वर पहले ही डैनियल को बचा सकता था जाता जाऊपाचो नु है सकता हो सकता था ना देवान ये अलाउ केले पर परमेश्वर ने इसे होने दिया आणि डैनियल वाच डैनियल 6:25-27 हाउ गॉड रिसीव ग्लोरी देखो किस तरह से परमेश्वर को महिमा मिलती है तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों देश देश कितने लोगों को सारी पृथ्वी के रहने वालों तुम लोग पृथ्वी पे रहते हैं क्या तुम ही पृथ्वी से रावतात नो जला तुमका ये चीट वाच तुम्हारे लिए यहाँ पर है सब तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा तुम्हारा बहुत कुशल हो मैं यहाँ आज्ञा देता हूँ आज्ञा देता हूँ राजा बोलता हाँ एक आता कायदो गालता एक कमांड देता तुमका जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है जोई जोई मुझे राज सोल्ला वहाँ के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख
कांपते और थरथराते रहे कोणाचा देवाक भियोन तुम्ही थरथरतात म्हणता तो दानियलाचा देवाक भियोन तुम्ही थरथरेंग जाय मोजा देवाक नु डॅनियल के परमेश्वर के सामने आपको थरथराना चाहिए मेरे परमेश्वर को नहीं हां क्योंकि जीविता और युगान युग का रहने वाला परमेश्वर वही है उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी हालेलुया हालेलुया सोजवले तुमका देवान अपना कशी महिमा घेतली ती आपले नाव वाकळले आपले नाव वळले केले ते आपने देखा ना यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरह से अपने आप को महिमामय किया किस तरह से अपने नाम को उसने ऊंचा उठाया दानियलाचे टेस्टिमनी चेर आणि शद्रक मेशक अबेदनोचे टेस्टिमनी चेर देवान आपल्याचे नाव वर काढले आपने देखा डॅनियल की गवाही के ऊपर शद्रक मेशक अबेदनोचे की गवाही के ऊपर परमेश्वर की महिमा हुई आणि तुका कितें दिसता जेन्ना तू आणि हांव टेस्टिमनी दिता तेन्ना कोणाचे नाव वर सत्ता आपको क्या लगता है जब आप और मैं हम दोनों गवाही देते हैं तो किसका नाम ऊंचा उठाया जाता है व्हाई डॅनियल वाज पनिश्ड डॅनियल को क्यों पनिशमेंट हुआ क्यों शिक्षा मिली उसे कित्याक तो जीव्या देवाक बुझतालो देखून क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करता था देवचा रात नो कायच पडलोले ना जेन्ना तू मुनशान केला ते देवाक ताची आराधना करता झाल्यार सैतान को यहां तकलीफ नहीं होती है जब संसार मनुष्य ने बनाए हुए भगवान को आप पूछते हो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको तेका काहीच प्रॉब्लेम नाही तू कुठच्या मूर्ति कोसम धूप फुला अगरबत्ती वात्यो गाल तका प्रॉब्लेम ना आप किसी मूर्ति के सामने जाओ धूप दीप अगरबत्ती जला उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है जेना तू जीव्या देवाची आराधना करता जब कभी आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तेंदा तका कांटे लागतात तब उसे कांटे चुभते हैं हालेलुया हालेलुया सजवले तुमका आपको समझ में आ रहा है आता जेजू मुंटा माग अबे यीशु कहता है कि मांगो हाँ कुत्ता मैं करूंगा तुझे मांगने का जवाब देता आपके प्रार्थना का जवाब आएगा अरे मुझे बापा को महिमा में होता और मेरे पिता को महिमा मिलेगी आता नवे करारान अभी नए नियम में मांगने मुझे भिकारी भिकारी पन्नु मांगना मतलब भिकारी के जैसा मांगना नहीं है आता देव तुका औसो मुंचो ना परमेश्वर आप लोगों को इस तरह से नहीं कहता सांची पांच वरा झाल्यात शाम के पांच बज चुके हैं अरे तो सकाय आइलो नरे मागो पोरतो आइलो सुबह आप मांगने को एक बार आए थे ना फिर बार मांगने के लिए आ गए आमी भिकारियांग मुंटोली नु हम लोग भिकारी को इस तरह से कहते हैं ना काली काल आइलो नरे तू आज पोतु नियोन बेल मत्ता अब भिकारी को कहते हैं ना कल आप मांगने के लिए आए थे आज फिर से आए हो क्या तुका दियुंग ना 10 रुपया कल आवे कल मैंने आपको 10 रुपए दिए थे बस आने गए ना का जाओ अभी मैं और नहीं दूंगा पर आप आमी देवाशी गेली साले यार अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तभी he is excited वो तो अच्छा आनंदित होता है he is excited to see you वो तो आनंदित होता है आता ये भिकाऱ्याच्या भाषेत मागणे नु ये भिकारी के जैसा प्रार्थना नहीं है देवाचा उतर मुंटा तू राजा जाऊन असा परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक राजा हो आणि एक राजा केना भीक मागता राजा कभी भीक मांगता है क्या राजा डिक्लेअर करतात आणि डिक्री करतात राजा आज्ञा देता है और भविष्यवाणी करता है आणि जे तू उलोयता ते जाता और जो कुछ तुम मांगोगे वही होगा हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु नाउ इन वर्स 14 बारिकसानीन बात वर्स 14 यदि तुम मुझसे मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा कोकनी बाइबल कितने मुंटा एनीवन विद कोकनी बाइबल तू मुझे लागी कितने मांगोत हाउ ते करतलो तुम मेरे सामने कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा इफ यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम आई विल डू तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा मैं करूंगा लिटिल थिंग्स नहीं एनीथिंग सब कुछ करूंगा हाउ कैन गॉड से एनीथिंग कैसे परमेश्वर कह सकता है कि मैं सब कुछ करूंगा ही सो कॉन्फिडेंट उसको इतना भरोसा है खुद पर ही सो कॉन्फिडेंट उसके अपने आप पर उसे पूरा भरोसा है तू कितने मांग आप कुछ भी मांग लो तो जाना मुझे लागी ते आसाच वो जानता है कि उसके पास सब कुछ है आता एक पावटी पासून देव असे चिती ना एक बार भी परमेश्वर इस तरह से नहीं सोचता तू गुड़े कितने मांगो तान मुझे लागी ना जाल्यार आप कुछ ऐसा मांगोगे मेरे पास नहीं रहेगा तो आणि आवे तुका सांगला कितने मांग मूड और मैंने कहा है कि तुम कुछ भी जो कुछ भी मांगो आणि आप तुका दितोलो मूड और मैंने कहा मैं तुम्हें दूंगा मुझे बापाक महिमा मिळतोली मूड मेरे पिता को महिमा मिलेगी हालेलुया हालेलुया आता जेजू अंगा मुंटा कितने मांग यीशु यहां पर इस तरह से कहता है आवे तुका ब्लैंक चेक दिल्या मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया है ऑलरेडी साइन केला मैंने ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ द फिनिश वर्क ऑफ द क्रॉस कुर्सार जे आवें जे काम केला क्रूस पर जो मैंने काम किया है ती मुझी सिग्नेचर वो मेरा सिग्नेचर है आता चेक हावे तुझे हातान दिला चेक मैंने आपके हाथ में थामा है
कितने बोरोंग जाए कितने गालोंग जाए ते तू गाल आपको जो लिखना है जो कुछ का कहना है उसमें कह दो हालेलुया हालेलुया सो जेना तू मुझे लगी मांगतोलो जब तुम मेरे पास मांगोगे हाँ ते कोतोलो मैं वो करूँगा अनि मुझे बापा की महिमा में उतोली और मेरे पिता की महिमा मिलेगी आमेन आमेन पॉइंट नंबर टू नंबर दो जॉन 16:24 जॉन 16:24 अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए रीड वंस अगेन स्लोली अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए पहला पॉइंट कितने जेजू कितना काम चे मांगने आंसर कोता पहला मुद्दा क्या है परमेश्वर हमारी प्रार्थना का क्यों जवाब देता है पापा को महिमा में होता पिता को महिमा मिलती है अतः दूसरा अभी दूसरा मुद्दा है जेजू मुंटा यीशु कहता है आस्क एंड यू विल रिसीव मांगो तो तुम्हें मिलेगा दैट योर जॉय मे बी फुल क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए व्हेन यू आस्क समथिंग आप जो कुछ भी मांगते हैं यू रिसीव आपको मिलता है व्हेन यू आस्क समथिंग आप कुछ मांगते हैं देन यू रिसीव आपको मिलता है रिसीव मुंचे कितने मैं ले मिल गया गेता तू गेता जेना तू कितने मांगता आप जो कुछ मांगते हो गेहूं जाए आपको उसे स्वीकारना है तू कितने मांगता आप कुछ मांगते हो गेहूं जाए आपको उसे स्वीकार करना है मुझे कितने तुम्हें विश्वास करूं जाए यहाँ कहना है कि आपको विश्वास करना है जे कितने अवे मांगला जो कुछ मैंने मांगा है हवे ते गेतला मैंने वो लिया है अनि जेसु कितने मुंटा जाना और यीशु क्या कहता है तुम्हें मांगला ते तुम गेतो लो आपने जो मांगा है वो तुम लोगे अनि जे तुम्हें कितने मांगोगना ते वो तुम गेतो लो और जो कुछ तुमने नहीं मांगा वो भी तुम लोगे कितने जाना क्या जानते हो तो मुंटा वो कहता है आस्क एंड यू विल रिसीव मांगो तो तुम्हें मिलेगा That your joy may be full. क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए जोर तो तुम्हें गौर मांगला अगर आपने घर मांगा है गौर तुका मेवले घर आपको मिल गया अंताचे बरोबर जोई जोई मेवला उसके साथ आपको आनंद भी मिल गया है कितना जॉय और कितना आनंद आपको मिला जॉय मे बी फुल बहुत सारा भरकर आनंद आपको मिल गया तुझे लागी तो तागड़ी आसा जल्यार अगर आपके पास तराजू है तो तागड़ी गालून वो जॉय वेट कर अगर तराजू में डालकर इस आनंद को आप वेट कर इसका वेट ले लो तो मुंटा जॉय मे बी फुल वो कहता है कि आनंद पूरा भर चुका है तुका आवे थोड़ो जॉय दियूक ना आपको मैंने थोड़ा सा आनंद नहीं दिया है पुर तुका आवे जॉय भरपूर ताइन दिला मैंने आपको आनंद भरपूरी से दिया है यू नो ही इज अ जॉयफुल गॉड आप जानते हैं ना कि आनंदमयी परमेश्वर है जीसस इज अ जॉयफुल जीसस यीशु आनंदमयी यीशु है जीसस इज अ हैप्पी जीसस यीशु तो आनंद में रहने वाला संतोष में रहने वाला यीशु है He's a laughing Jesus. वो तो हंसने वाला यीशु है He's a smiling Jesus. वो तो हंसने वाला यीशु है Hallelujah. Hallelujah. And he's your Jesus. और वो आपका यीशु है If someone is criticizing you, अगर कोई आप पर धारणा देता है एक तरफ का हंसता नाचता उड़ियो मारता कोई कहता है क्या है हंसती है नाचती है गाती है कि तक तुम्हें जे कि ते अनुभव ला ते ताड़े अनुभव ना जो कुछ अनुभव आपने यीशु में किया है वो इस दूसरे आदमी ने नहीं किया है जो तुसो जॉयफुल यीशु आसा जो आपका आनंदमय यीशु है तो ताड़े अनुभव ना वो उसने उसका अनुभव नहीं किया तो देव कसो चिंता झाला देव जाऊन असा एक गोळी घेऊन असा जज जान तो पाय माका मारूंक रावता लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर बोला तो एक बुजुर्ग आदमी है एक छड़ी लेकर बैठा है जब भी मैं गुनाह करूंगा मुझे मारेगा मुझे काटेगा लंबा भोया खड़ा तो वो लंबे लंबे खाट वाला दाढ़ी वाला सर को मिरियो पड़ लो लो उसकी स्किन थोड़ी चिमटी हुई हुई बाप नु तो डैडी नु तो क्योंकि वो पिता है ना वो पिताजी है ना अनि गोळी बोळी घेऊन असा और लंबी सी छड़ी लेकर है दाती मिस्टेक के लिए छोटी सी भी गलती आपने की आपको मार पड़ेगी मागी थोड़े लोग कितने मुंटा जाना थोड़े लोग किस तरह से कहते हैं मालूम है देवान कास लाइला माका परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिया है आओ सोचता मैं तकलीफ सहता हूँ देव दीता तुका परमेश्वर आपको तकलीफ देगा देवशी कितने उलता जाना कितने वो किस तरह से क्यों बात करते हैं मालूम है जो मोगा चो देव तुम्हें उनबोला जो प्रेम का परमेश्वर का अनुभव आपने किया है तो ताने उन भोंगना उन्होंने उसका अनुभव नहीं लिया जेना है तू तो मोगाचा देवा तो
जॉयफुल देवा को अनुभव था, जब आप इस पवित्र परमेश्वर को प्यारे परमेश्वर का अनुभव करते हो, आउट ऑफ कंट्रोल वेता, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। कुछ वेला तुझे तोड़ा खासो नाच देवाचा गारा नाईला तू नाचता उठता उड़क्यो मारता। आप किसी भी समय पर आनंद भरे रहते हो, आप कभी भी नाचते हो गाते हो परमेश्वर के भवन में आनंद मनाते हो। तू ते पिघलाले पणसा भाषेन झाला, आप वो पके हुए पनस की जैसे है। कितना दापन दो और तुझे वास रहो ना, कितना भी आपको टोकरे के सामने ढक के रखो आपका स्मेल नहीं जाता। आपके शेजारे खबर तुम गेर पड़ोस पिकला मुड़, सारे पड़ोसी को मालूम पड़ जाता है कि आपके घर में पनस है। हालेलुया हालेलुया। अरे तू ते आता एक शारा भाषण झाला जे डोंगर बांधला, आप एक उस शहर के साम शहर की जमान हो जो डोंगर में जो पर्वत पर टिकाया गया है। अरे कोणी तुका लिपोक शकोना नदर मातला चरस तुझी तुझे नदर पड़ता, कोई आपको छिप नहीं को किसी से आप छिप नहीं सकते, कोई भी आपको देखता है तो आप दिखाई देते हो। आपके गांव में फकत तुझी खबर, सारे गांव में सिर्फ आपकी बातचीत होती है, तू सोच वास देता, आपका ही स्मेल आता है सब जगह पर। जेसुस आवना सा तू सो तो भीतर तू का बोरुन आला तुझे भीतर वास गतला तो, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु है जो आपको आनंदमय आपको करुणामय आपको फलवंत बनाने वाला यीशु है। हालेलुया हालेलुया। देव जब नाम से मांगड़ा जवाब देता, जब परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब देता है, नाम जो आनंद भरपूरता इन बोता, तब हमारा आनंद भरपूर से उमड़ता है। थोड़ी लोग नो आजुन पासुन तानी जॉयफुल जाऊं शिकोक ना, थोड़े लोगों ने अभी तक आनंद अनुभव करना महसूस करना नहीं सीखा है। एक एक मांगने फाटल्यान जन्ना जवाब येता तेन्ना जॉय फ्री येता, एक एक जब प्रार्थना के समान जवाब आता है तो आनंद भरकर ही आता है। थोड़ी सारा कितने कुत्ता जाना, थोड़े लोग किस क्या करते हैं पता है, देवा मा का गौर जाए, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, गौर मेवले घर मिल गया, जॉय आईला पुन तो जॉय गेहूं कुछ ना, आनंद आ गया लेकिन उसने उसे महसूस ही नहीं किया। आता मा का एक बुरी गौरकान जाए, अभी मुझे एक पत्नी अच्छी वाली पत्नी चाहिए, गौरकान आई ली पुन जॉय गेहूं कुछ ना, पत्नी आ गई पर इसने आनंद महसूस नहीं किया। बुर्गी जाए, अभी मुझे बच्चे चाहिए परमेश्वर, आता मका वोल्ले गौर जाए, अभी मुझे बड़ा घर चाहिए यीशु, मुझे बुर्गियां गौर एडुकेशन जाए, बच्चे को अच्छा पढ़ाई चाहिए, बुर्गी वोल्ली साली तंका कसर करूं जाए, बच्चे बड़े हो गए उनकी शादी करनी है, नातराक सिरी जाए, नात पोती को बच्चे एजुके नौकरी चाहिए, आणि तंका कसर करूं जाए, और उनकी भी शादी करनी है। आता तू 100 वर्षांचो झालो, अभी आप 100 साल के हो गए, 8 दिसानी मरचो असा, 8 दिन के बाद आप मरने वाले हो, जो है कहना तो, और आनंद कहां गया, तू फोकस मांगो को चुल्लो, सिर्फ आप मांगते हैं, देवा तुका दिले, परमेश्वर ने आपको दिया, पुत्र थे एंजॉय करू को, आपने उसे एंजॉय नहीं किया, आपने उसे महसूस नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। उम्मीद तुझे भीतर खुई असा, वो आनंद आपके अंदर कहां है, सोगले तुझे लागे असा पण उम्मीद ना तो जॉय ना, सब कुछ आपके पास है पर वो आनंद आपके पास नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जॉय The joy of the Lord is our strength. दया चौथा और मुंटा। परमेश्वर का आनंद ही हमारी stronghold है, हमारे भरपूरी, हमारे सामर्थ्य है। And joy gives us strength to endure. परमेश्वर का आनंद हमें सामर्थ्य प्रकट करने में आनंद सोसू काम का बल देता, जॉय आनंद सहने में हमें बल देता है। हालेलुया हालेलुया। Jesus is the best example. यीशु तो बहुत अच्छा उदाहरण है। Last scripture I'll give you. Hallelujah. Hebrews 12:2. Hebrews 12 verse 2. This is about Jesus. यीशु के बारे में है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर से ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Who for the joy that set before him endured the cross. Read sister that. आनंद के लिए जो आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मुकार यीशु के सामने एक जॉय दो लोलो बापान एक आनंद रखा था पिता ने
किते मुटला जॉय वाज सेट बिफोर हिम आनंद उसके सामने रखा था जॉय वाज सेट बिफोर हिम उसके सामने आनंद रखा गया यीशु मुकार एक आनंद दोललो यीशु के सामने एक आनंद रखा गया था आणि यीशु ने आपला फोकस त्या आनंदाचे दोललो यीशु ने अपनी पूरी योजना उसके आनंद के ऊपर रखी एनी enjoyed the cross aur usne krus ka anand liya he enjoyed the cross usne krus not ka... only he endured the cross he enjoyed the cross why usne lajja ki baat nahi mani usne krus ka anand liya why kyun you know jesus focus was not on the cross kyunki yeshu ka dikhane ka tha wo cross ke upar nahi tha his focus was on the joy uska focus tha anand ke upar uski nazar anand ke upar thi and what was the joy aur kya wo anand tha what was the joy kya wo anand tha his bride sitting with him on the throne was the joy उसकी दुल्हन उसके सिंहासन के दाहिने और बैठे वही उसका आनंद था आता वो ए, या, या जो याक तो पड़े था या कुशाल का एक ये उम्मीद दिख तो पड़े था इस आनंद को वो जब देखता है अनि कुर्सा तो पड़े ना क्रूस की ओर नजर नहीं डालता कुर्सा से कितने त्रास है तो लेता का पड़ो कुछ ना क्रूस के ऊपर जो सहना था उसके ऊपर उसने नजर नहीं डाली तुम्हें मका कीड़े मारता थे मका पड़ो कुछ ना आप मुझे खीले ठोकोगे उसके ऊपर उसको भरोसा है मका मुझे माथे कांटे गलता आओ तक का पड़ो इच ना कांटे का मुकुट उस पर चढ़ाया जाएगा वो उसके पड़ा ही नहीं है तुम्हें मुझे लूटी मारून मुझे तोड़ भोकता मका पड़ो कुछ ना आपकी थूक मेरे ऊपर डालकर आप मुझे लज्जित करोगे उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं गया मुझे फाटी चेर तुम्हें चाप का मारून मुझे मांसा बाहर कर लान मका पड़ो कुछ ना मेरे पीठ पीछे आपने चाबुक लगाकर मेरा मांस निका उखाड़ा उसकी चिंता मुझे नहीं है मुझे नो तो आशा ते जोया चेर क्योंकि मेरा मेरी नजर जो है उस आनंद पर है अनिक तो जॉय किते मुझे ब्राइड वो आनंद क्या है मेरी दुल्हन हालेलुया हालेलुया बाइबल म्हणता या जोया चेर ताने आपली नोदर घातली बाइबल कहता है कि इस आनंद के ऊपर उसने अपनी नजर डाली अनिक आपले दुखच तो विसरून गेलो और अपना दुख वो भूल गया बाइबल किते मुंटा जाना बाइबल क्या कहती जानते ताने मुंटा तोंडातल्यान उतर बाहर काढू कुछ ना बाइबल इससे कहता है कि उसने अपने मुंह से शब्द बाहर नहीं निकाला पिक्चर भी पोइला नु जेजुक मारता ते आपने पिक्चर में देखा है ना यीशु को किस तरह से मारते हैं जेजु आ उ कुत्ता से पोइला नु आपने देखा यीशु आ उ इससे कहता है बाइबल मुंटा ताने जापूच बाहर काढूंगा पर वो पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने जवाब ही नहीं निकाला एकुई ताचे आड़ आड़ान भीतर रुरोंगना सगले आड़ा बाय सोलली उसके उसका एक भी नस उस अंदर नहीं था हड्डी अंदर नहीं थी पूरी बाहर निकली हुई थी पुट तो चल ऑन गेलो फिर भी वो चल कर गए कांदार कुरिस गेउन अपने जुआ अपने ऊपर लेकर नदर ओखले चेर दौरून क्योंकि उसने अपनी नजर अपनी दुल्हन पर रखी थी हालेलुया हालेलुया दिस वाज जीसस जॉय यही परमेश्वर का यीशु का आनंद है इफ अ पर्सन कौन एक मुनि सासा एक आदमी है समझो तो मंडे टू सैटरडे काम कोता मंडे टू सैटरडे वो काम करता है कौन जाना आयताराचे भी काम कोता थोड़े लोग है जो संडे को भी काम करते हैं कोई 8 वरा 12 वरा कोता ओवरटाइम में भी कोता कोई 8 घंटा कोई 12 घंटा कोई ओटी भी करते हैं काम करूं भरे दिस्ता मुंटी कोरी नात काम करने को अच्छा लगता है बोल के वो काम नहीं करते हैं बट द सैलरी इज द जॉय क्योंकि उनका जो पेमेंट है वह उनका आनंद है नो डाउट द सैलरी चे रासा क्योंकि उनकी जो नजर है वो अपने पेमेंट पर है देखो कितने त्रास पड़ना पड़ो कितना भी त्रास होता है तो होने दो तू मका रात सो पासन आपो यानी डबल पेमेंट दिता मुड़ आओ यता आप मुझे रात में भी बुलाओ और कहो कि डबल पेमेंट दूंगा तुझे कामा चेर मुझे नो दौरना तुम्हारे काम के ऊपर मेरी नजर नहीं मुझे नो दौरा साथी सैलरी चेर की तक सैलरी मका अट्टा जॉय मेरी नजर उस पेमेंट पर है क्योंकि वो पेमेंट ही मुझे आनंद लाता है जायती जाना मुंटा काम कोता ती चोर करून ऑनलाइन काम कोता ती जो लोग कहते हैं ऑनलाइन जो काम करते हैं लोग कितने मुझे कुल्लन काम करून कहता कितना काम मुझसे करवा के लेते हैं रात भी काम करून कहता रात के समय भी मुझसे काम करवा के लेते हैं कौन ना का काम तो फिर मत करो काम ना 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 मुझे नोटर कुया सा नहीं नहीं मैं
मैं करूंगा क्योंकि मेरी नजर कहां पर है? आते सैलरी जो जो आता ताचे रसा वो सैलरी जो मुझे मिलने वाली उसके ऊपर आनंद है. द ब्राइड वाज क्राइस्ट सैलरी. दुल्हन परमेश्वर यीशु की सैलरी है. यीशु की सैलरी तू आने आओ. यीशु की सैलरी मैं और आप है. तुझे रानी मुझे नदर दरुन ताने ते क्रूस सोचलो. मेरे और आपके ऊपर नजर उसने रखकर वो क्रूस का अनुभव उसने कहा. हालेलुया हालेलुया. उनका जॉय ताने आता फ्री दिला और आनंद उसने हमें फ्री में दिया है. शेजारक सांग आनंद फ्री आसा. पड़ोसी से कहो आनंद फ्री में है. तुझा मांगना तो जवाब आईला. अगर आपकी प्रार्थना का जवाब आया है तो तू तू आनंद तुम्हें केला भी करूंगा. आपने आनंद अनुभव किया है कि नहीं किया है? जायते पाउटी देवा नाम का मांगो ना सना दिला. बहुत बार परमेश्वर हमें मांगने से पहले ही बहुत कुछ दिया है. इधर सब जो हम लोग औरत है आमी सगी लेडी सी जी साथ कितना सना नहीं बरो मका गोदी मुड़ मांग लो. कितने लोगों ने कहा था कि मुझे अच्छा सा पति दे दो. लंगड़ो नाका आनी किते नाका औषे मांग लो ले कोने पूर्ण ना देवान दिलो नु बरो. परमेश्वर हमने एक नहीं मांगा था लंगड़ा मत दो जेंट्स आसा तानी तुम्ही मांग लो ले औषे दी मुड़ मका मका तीरसे नाका ऐसे नाक मांग लो ले पूर्ण मेवले नु बोरी बाइल मेवले नु तुमका तुम्ही मांगो नसना देवान दिले नु. आपने कभी नहीं मांगा ना कि मुझे ऐसे अच्छी पत्नी दो या बुरी पत्नी दो. ऐसा कुछ नहीं मांगा. फिर भी परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिया है. तो लोग जालो 10 वर्षा 12 वर्षा जाली काजार जाल्यार बुर्गे ना. बहुत लोग हैं जो 10-12 साल हो गए उनके पास बच्चे नहीं है. अरे तुम का देवान दिले मांगो नास्तना और आपने मांगने से बगैर परमेश्वर ने आपको दे दिया. जॉय कुयासा आनंद कहाँ है? जॉय कुयासा आनंद कहाँ है? मुनिस नु मनुष्य आई समझ मुझे बैंड अनिक तोकली दुखता. समझो आज मेरा कमर और मेरा सर दर्द हो रहा है. अनिक आज तो मुझे बैंड बोरे साले. आज सोचो कि मेरा आज कमर ठीक हो गया. ताचेर नदर ना तोकले चेरुस नदर वहां पर मैं नजर नहीं. मैं सर दर्द हो रहा है वहां पर. देवा बैंड बोरे केला तो जॉय कोई ऐसा. परमेश्वर ने कमर ठीक की उसका आनंद कहा है. तुझे बैंड बोरे साला आपका कमर ठीक हो गया? दे बोरे ऐसा रे तोकली बोरी जाऊंगा. वो तो ठीक है लेकिन सर दर्द कम नहीं हुआ. देवा आर गांधीउन आनंद केना केला. परमेश्वर को स्तुति देकर आपने आनंद कब महसूस किया? हालेलुया हालेलुया. आनंद हम का फुकोट में ओला. आनंद हमें फ्री में मिला है. लास्ट स्क्रिप्चर आइज़ाया 56 वर्स 7. यशाया 56 वर्स 7. कोई अभी रेडी? उनको मैं अपने पवित्र पर्वत उनको पर... उनको मुंचे आम का आता दियो आम ची कबर सांता आम का हमको मुड़ हमको परमेश्वर हमको परमेश्वर सुगले आई को आज सुगले आई को आज बड़े बच्चे आई का परमेश्वर हमको पवित्र पर ले जाकर पवित्र पर्वत पर ले जाकर पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा. कहाँ कहाँ आनंदित करेगा? अपने प्रार्थना के भवन में. प्रार्थना के भवन में वो हमको आनंदित करेगा. आमेन. उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे. आता दो मुंटा तुझे सैक्रिफाइस आओ मानून गे तो लो तुझे सैक्रिफाइस किते जेसु. हालेलुया. जेसु तू जन्ना गेहूं नेता जेसु तो सैक्रिफाइस तो मुंटा आओ तुझे सैक्रिफाइस मानून गे तो लो. वो कहता है कि जब आप यीशु के सैक्रिफाइस को लेकर आते हो तो मैं उसे ग्रहण करूंगा क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा. भारत के लिए लोगों के लिए नहीं है लगता है. बराबर बात पढ़ो. हालेलुया. क्योंकि भारत के लिए लोगों के लिए नहीं है सब देश के लोगों के लिए. सब देश लोगों आमेन. सब देश के लोगों के लिए. हालेलुया. सब देशों के ना तू का गोडे जैसे आ गोइन सो नू नू रे आ गोय आसा आएगा हा कारवर चो आ झारखंड चो आ गोडे माका बिहार को संग पड़ो दे देवाचे गारान वो संग पड़ो जॉय जाय जाले रोशे तू का दिसोत. आपको ऐसा लगेगा मैं तो गोवा का नहीं हूँ. गोवा के बारे में बात करे होंगे. मैं तो झारखंड का हूँ. मैं इधर का हूँ. मैं उधर का हूँ. शायद मेरे लिए नहीं होगा लेकिन यहाँ पर लिखा है सब देश के लोगों के लिए. सब देश के लोगों के लिए क्या करेगा? हालेलुया. प्रार्थना का भवन कहलाएगा. सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा. हालेलुया हालेलुया. तो आओ तू का मोजा गारा नाटा लो. मैं तुम्हें अपने भवन में लाऊंगा. आनी फुकट तू का संतोष दिता लो और फ्री में तुम्हें आनंद दूंगा. शेजारा सांग तो जॉय इज फ्री. पर पड़ोसी से कहो कि आनंद फ्री में है. जॉय इज फ्री. आनंद फ्री में है. एक रुपया पसंद ना का जॉय इज फ्री. एक रुपया को आप खर्च करने की जरूरत नहीं है. आपको आनंद फ्री में दिया गया है. हालेलुया हालेलुया.
जोर तो तू देवाचा घरान आसा अगर आप परमेश्वर के भवन में है तू खुंचो जाऊं आप कहां के भी हो सकते हो यो मुंटा मोजा घरान आडू तुझे राव जॉय वो तो इतलो मेरे घर में तुम्हें लाकर मैं तुम्हारे ऊपर में आनंद उंडेल दूंगा आज तू तो रिया सागया रासा अगर आप इस जगह पर आज हो तू स्वत मानता है देवाचे गौर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर का भवन है तू का चाव मेड़ो वो मेड़ना का आज आप आज को चाव मिले या ना मिले पर जॉय फ्री आसा पर आनंद फ्री में है जॉय फ्री आसा आनंद फ्री में है सभी रहोया जॉय फ्री आसा आनंद फ्री में है जॉय फ्री आसा आनंद फ्री में है हालेलुया हालेलुया जगर एक संग जॉय फ्री आसा उसी से कहो आनंद फ्री में है थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु